BRS फिल्म एंटरटेनमेंट प्रस्तुत हिंदी फिल्म रिक्वेस्ट फ्रॉम डेविल का ग्रैंड प्रीमियर लोटस स्टूडियो मुंबई में हुआ, जहां फिल्म की पूरी स्टार कास्ट के साथ बॉलीवुड के कई नामी गिरामी हस्तियां और मीडिया के लोग मौजूद रहे। सभी ने फिल्म के बाद इसकी तारीफ की और कहा कि यह अलग ही तरह की फिल्म है, इसे दर्शक खूब पसंद भी करेंगे। इसमें डर और डेविल के साथ परिवार की मजबूती का बेजोड़ चित्रण हुआ है। फिल्म के निर्देशक और लेखक जावेद हाशमी है, जबकि फिल्म का निर्माण राधे श्याम बी गॉड व आर पी फिल्म्स विजन द्वारा किया गया है। यह फिल्म जल्द ही रिलीज भी होने वाली है, उससे पहले फिल्म का प्रीमियर रखा गया। फिल्म के प्रीमियर के बाद एम ए आरकर, प्रसाद ठाकुर, समन पठान और सोनल सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म का जॉनर हॉरर है, लेकिन इस फिल्म में रिश्तों की मजबूती को हमने ध्यान भी दिया है। हाय गाइस, मेरा नाम रवि पवल है और ये मूवी रिक्वेस्ट फ्रॉम डेविल बहुत अच्छा लगा इसमें काम करके, क्योंकि जावेद जी जो हमारे डायरेक्टर हैं और राधे जी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट दिखाया हमें, और ख़ासकर मेरी को आर्टिस्ट दिव्या, जो हमारा जो पेयर था, बहुत ही अच्छा लगा इसमें। क्या सब्जेक्ट है मूवी का सब्जेक्ट इस तरीके से है कि एक रिक्वेस्ट आती है, और ये सब फ्रेंड है एक्चुअली पुराने, एक रिक्वेस्ट आती है जिसकी वजह से जो रिलेशनशिप में जो झगड़े चल रहे होते हैं, और जो पहले जो मेन लीड अपना हीरो है उसके साथ में कुछ घटनाएँ घटी हैं, जिसकी वजह से वो सारी घटनाएँ अब हमारे साथ में हो रही है धीरे धीरे। आपके साथ फिल्म और कौन-कौन स्टार कास्ट हैं? जी, अमेकर प्रकाश ठाकुर और दिव्या शर्मा, रॉबिन चौधरी, आलिया और सनम, और एक और हमारे भाई है राम, वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है फिलहाल। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन रहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, डायरेक्टर साहब हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमें ब्रेक दिया है, बहुत अच्छी बात है। और राधे जी, जिनका नेचर तो बहुत अच्छा है ही है, और साथ में वो बहुत भाई की तरह ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। कैसे मिली है फिल्म आपको? सर, जो जावेद जी है और जो मेरा फ्रेंड है अमेकर, तो इनको मैं पहले से जानता था, तो हम थोड़े टच में रहते थे, तो इस चीज़ पे चर्चा हुआ करती थी। तो एक दिन उन्होंने अचानक से मुझे पूछ लिया कि तुम भी काम करोगे, तो मुझे तो बिल्कुल वो करना ही था काम, ऑफ कोर्स, तो इसी वजह से मुझे काम मिला। परिचय के साथ आपका स्वागत करना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या है और मैं रिसेंटली इस टीम से जुड़ी थी, यानी कि इस साल ही मैं इस टीम से जुड़ी थी, और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि मुंबई में बहुत कम लोग होते हैं जो एक सडन बेस पे एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, और एक अच्छा जब निकलता है तो शायद अब आप लोग ही उसका रिव्यू करोगे आज, तो ऑनेस्टली तो हमने तो अपना काम किया है। मैं बहुत ग्लैड फील किया उस टाइम भी, ऑन सेट भी, जब मुझे मेरा को एक्टर, मेरा साथी जो है, इस तरह से मुझे सपोर्ट किया। हर फिल्म में आपका को एक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आपके वो पार्टनर का किरदार निभा रहा हो तो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपकी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम बकायदा ऑन सेट भी हमें दिखानी होती है और ऑन कैमरा भी हमें दिखानी होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आई एम वेरी ग्लैड कि रवि मेरा पार्टनर था। फिल्म स्टूडियो आर्टिस्ट के लिए बहुत खुशी की बात है, आज पिक्चर का स्क्रीनिंग हो रहा है, सब लोग देखेंगे, आप अंदर साहब कितना खुश है? बिल्कुल बिल्कुल, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती है जब उसकी फिल्म जो है रिलीज होती है और सब लोग उसे देखने आते हैं, और हमारे लिए तो ग्लैड फीलिंग है और प्राउड फीलिंग है। मैं साथ में ये भी कहूँगी कि अच्छा अगर रिव्यू मिलता है हमें उसके, क्योंकि हमें इससे ही आगे काम मिलता है, तो हम भी अपनी ऑनेस्टी से काम करते हैं और हम भी चाहेंगे कि ऑनेस्टी से ऑडियंस जो है इसका रिव्यू करें। हाय, मेरा नाम आलिया है और मेरी फिल्म आ रही है, यानी हमारी फिल्म आ रही है रिक्वेस्ट फ्रॉम द डेविल। सर, हमारी फिल्म भी आने वाली है, हमारी जिसका जिसका नाम है रिक्वेस्ट From the devil. आपके पॉलिटी हैं? हाँ जी। इतनी खूबसूरत लड़की है, पटा ली रहे हैं। देखो, ये तो किरदार है। अच्छा। पटाया किसी ने किसी को भी नहीं है। रियल लाइफ में नहीं पटा पाते हैं। क्या कहना चाहेंगे अपनी फिल्म के बारे में? हाँ, फिल्म के बारे में बोलना चाहता हूँ कि जो फिल्म है ये बहुत ही अच्छी फिल्म है, और इस फिल्म को करके मैंने जो कि जो डुअल कैरेक्टर होता है, जो पहले मैं बहुत सीधा इंसान होता हूँ, जो कि ना गाली ना गलौच ना नशा ना आशा कुछ भी, इनके मुझसे मिलते हैं, हाँ, और ये बिगड़ जाते हैं, बिगड़ जाता हूँ, जो कि मैं बहुत ज़्यादा नशे वाला इंसान, मैं गजोदर से अर्थ बन जाता हूँ और ये बन जाती है पीस। मैं पीस ही थी पहले से। इसलिए ट्रक के पीछे लिखा होता है, नजर हटी दुर्घटना
वो सब हुआ था मगर दुर्घटना इतनी बुरी नहीं हुई, अच्छी दुर्घटना थी। तो क्या कहना चाहेंगे फिल्म के डायरेक्टर में, कितना अच्छा लगा उनके साथ काम करके? बोलिए जी। उनके साथ बहुत बहुत मज़ा आया एक्चुअली में, घर जैसा फीलिंग हुआ, एनवायरनमेंट था और मज़ा आ गया सच में। मतलब ऐसे डायरेक्टर मैंने देखा ही नहीं, वेरी वेरी कट टू कट, वेरी प्रोफेशनल। कैरेक्टर क्या फिल्म में आपकी? जी मेरा नाम था पीस उसमें, और मैं एक ड्रग एडिक्ट रहती हूँ, तो मैं इस प्यारे से नन्हे से भोले से इंसान को बिगाड़ देती हूँ, बिगाड़ देती हूँ। बहुत नशे कराती हूँ मैं से। और जो भी था, मैंने जो फिल्म की है आज से पहले, काफ़ी फिल्में की है मैंने, वेब सीरीज की है मैंने, सीरियल्स की है मैंने, मगर जो हमारी ये आलिया है जिसका नाम है पीस, इसके साथ जो मेरा पेयर था, जो हमारी केमिस्ट्री थी, वो एकदम मतलब नेचुरल थी, जो कि हम एक दूसरे को काफ़ी साल से जानते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाय एवरीवन, मैं हूँ सनम पठान। सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी, आप सब लोगों ने वक्त निकाला। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे प्रोड्यूसर का, उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे को एक्टर्स का, उसके बाद मैं सारी प्रोडक्शन टीम, जितनी हमारे साथ टीमों ने काम किया है, सबको मैं अपनी तरफ से थैंक यू कहना चाहती हूँ दिल से। थैंक यू सो मच। जी मैम, आप? हाय, आई एम सुमन सिंह, और नमस्कार और कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी सभी टीम को। ठाकुर जी, बहुत अच्छा लग रहा होगा, दो हीरोनों के बीच बैठे हैं। सर ये मेरा सौभाग्य है कि पूरी पिक्चर मुझे हमेशा दो हीरोनों के बीच भी बैठने को मिला है। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा उसको विस्तार से बताना चाहूँगा कि ये फिल्म एक हॉरर फिल्म है, जॉनर इसका हॉरर है, पर इसमें रिश्तों की मजबूती को हमने बहुत ध्यान से दिखाया। एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, कैसे उनका परिवार टूटता बिखरता चला जाता है, लेकिन फिर भी वो कहते ना, जब मुश्किलें सबसे ज़्यादा होती है तभी प्यार सबसे ज़्यादा पनप कर आता है। और इसमें दोस्ती भी आपको देखने को मिलेगी, कॉलेज की मस्तियाँ देखने को मिलेंगी, और जिन लोगों को हॉरर का शौक़ है उनके तो रोंगटे खड़े होने वाले हैं। कितना हेल्प करते हैं आपको ये? को एक्टर्स तो हमेशा बेस्ट ही होते हैं, ये हमारे बेस्ट को एक्टर हैं, जो यही डेविल है, इन्होंने हमें बहुत डराया है। इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने सेट पे भी हम सबकी बहुत हेल्प की, जितने को एक्टर्स थे हमें बहुत अच्छा। आप किसी से डरा सकती हैं? वो तो आपको फिल्म देख के पता चलेगा मैं कितनों को डरा सकती हूँ। सो आप लोग वेट कीजिए फिल्म का। भूत और चुड़ैल वाला रोल है? नहीं, मेरा ऐसा कोई रोल नहीं है, मेरा एक्चुअली बहुत नॉटी है। अच्छा। जो मेरा कैरेक्टर है बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, इसलिए आपने बोला आप डरा सकते हो तो लोग मुझे देख के एंटरटेन होंगे। मेरा जो इसमें कैरेक्टर था बहुत ज़्यादा शरारती है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसी इंट्रो कर रहे हैं आपसे। थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगे फिल्म का, क्या कैरेक्टर आपका और प्रोड्यूसर बारे में? सबसे तो पहले मैं प्रोड्यूसर साहब को थैंक यू फिर से बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनके वजह से ये पूरी फिल्म है, उनके वजह से हम हैं, और उनकी वजह से जितनी भी ये चीज़ें हो रही है सिर्फ उनके वजह से हो रही है। नाम क्या? मुझे उनका नाम तो नहीं पता। राधे श्याम जी, मैं उनको विश्वकर्मा जी बोलती हूँ। हाँ, मैं उनको विश्वकर्मा जी बोलती हूँ। सो फिल्म जो है हमारी बहुत ही एंटरटेनिंग है, कुछ नया प्रोजेक्ट आपको देखने मिलेगा, कोई नया कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलेगा, बहुत सी चीज़ें जैसे अमेकित जी ने कहा आपको सीखने मिलेगी, जैसे रिश्तों की मजबूती और दोस्त, जैसे दोस्ती में गहरा प्यार होता है, वो प्यार आप लोगों को देखने मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें आपको, रोमांस, डांस, सॉन्ग्स, बहुत सारे आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा इसमें। कितने सॉन्ग हैं आपके ऊपर? मुझ पे इसमें दो सॉन्ग हैं, दो सॉन्ग। कैसा लगता है म्यूजिक, बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, म्यूजिक जो है, म्यूजिक तो बहुत अच्छी है, उसकी लिरिक्स भी बहुत अच्छी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा और अपने बाइट्स भी दीजिएगा। इस फिल्म में सब कुछ है, म्यूजिक तो अच्छा है ही, और सिर्फ हॉरर ही नहीं है इसमें, लव ट्रायंगल भी है, एंटरटेनमेंट भी है, और एक्शन भी बहुत अच्छा है इस फिल्म का। प्यार करती हैं? इनसे, और मैं बचपन से प्यार करती हूँ इनसे। अच्छा, ज़्यादा स्टोरी तो नहीं बता रही हूँ। नहीं नहीं, ठीक है। बेसिकली इनका कैरेक्टर बहुत मिस्टीरियस है। हाँ राइट, बहुत। तो बचपन की जो मोहब्बत है वो, हाँ वो जब हम बड़े हो जाते हैं तब वो रंग लाती है। कितने परेशान करते हैं सेट पे आपको? ये बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली ये बहुत सपोर्टिव हैं, और मैं अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा कर पाई हूँ तो वो इनकी वजह से और जावेद जी की वजह से, क्योंकि ये सबको ही सपोर्ट करते हैं और सबको हैंडल करते हैं सेट पे। जावेद जी के बारे में पूछना चाहेंगे?
मैंने उनके साथ फर्स्ट फिल्म की है अभी, बट वो बहुत बेस्ट डायरेक्टर है मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि काम पे पूरे फोकस्ड रहते हैं और उनकी वजह से ही सीन्स बहुत अच्छे निकल करके आते हैं, तो क्रेडिट गोज़ टू हिम। कितनी खुशी हुई आपको फिल्म का स्क्रीनिंग है? बहुत ज़्यादा, अगर 100 में से दूँ तो 1000%। अभी तो फिल्म देखना बाकी है एक्चुअली। हाय, मैं जावेद हाशमी, डायरेक्टर। आज मेरी फिल्म रिक्वेस्ट फ्रॉम डेविल उसका प्रीमियर है। सारे लोग आए हैं, आर्टिस्ट में अमैक प्रकाश ठाकुर, रवि पवाल, रोविन चौधरी और अवंतिका, दिव्या शर्मा। हमारे डीओपी साथ में बैठे हैं सनी शर्मा जी, प्रोड्यूसर हैं राधे श्याम बी गौड़, दूसरे प्रोड्यूसर हैं बलराम विश्वकर्मा। गीत संगीत किसका है? गीत लिखे हैं रामानंद यादव और अमय प्रकाश ठाकुर। फिल्म शूटिंग कहाँ हुई है और कितने दिन तक हुई है? हमने किया पालघर मनोर में, फिल्म शूट हुआ है 7 दिन का। किस तरह का सब्जेक्ट है ये? मर्डर मिस्ट्री हॉरर टच है। आज के दौर में हर किसी को मतलब एक सिस्टम होता है, सोचने का समझने का रहता है। फ्रेंड बना तो लेते हैं लोग, लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि हम कौन से फ्रेंड को चूज करें, किस पे हम काम करें। होता है कुछ अच्छे भी फ्रेंड निकलते हैं, और ज़्यादातर तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना है, बुरे ही मिलते हैं, फंसाने वाले मिलते हैं। तो ये चल बॉलीवुड कई फिल्मों का ऐसे निर्देशन कर चुके हैं जी, नए आर्टिस्ट को लेकर कितना कठिन होता है फिल्म बनाना? नहीं, बिल्कुल नहीं होता सर। आर्टिस्ट अगर अच्छा है तो काम अच्छा होता है। आपके आपके जो कलाकार हैं, हीरो हीरोइन, उस पर हम कुछ बताते हैं? सारे बेहतरीन कलाकार हैं, जो भी मेरे फिल्म का कास्टिंग है सब आर्टिस्ट अच्छे हैं, कोशिश अच्छा किया है सबने और अच्छा आउटपुट अच्छा है सारे लोगों का। कब तक दर्शक देख सकते सिनेमा? महीना मन मंथ जाएगा। आपकी क्या खूबी है कि ऐसा हिंदी फिल्मों में? हिंदी फिल्मों से जुड़ा रहा हूँ और ख़ास तौर से साफ़ सुथरी अच्छी फिल्म बनाने का मकसद रहा है और उसी पे कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं। आपके बगल में बहुत खूबसूरत कन्या बैठी है, कुछ बताएं? हाँ, इनका नाम है आशिया। आशिया अच्छी आर्टिस्ट हैं और काम भी किए हैं, अगली फिल्म में मेरे ये रहेंगे। फाइनल हो गया? हाँ, फाइनल है। और कौन कौन सी फिल्म आपकी बनकर तैयार है? अभी फिलहाल बनकर तो नहीं तैयार है, मेरी एक फिल्म है रावण करके, रावण द किंग, उसको हम कर रहे हैं लेकर के जितेंद्र कुमार जीतू जो नेटफ्लिक्स का हीरो है। एक कर रहे हैं विभक्त, दो प्रोजेक्ट मेरा ऑन चल रहा है। एक का तकरीबन बजट है 9-9.5 crore और रावण चल रहा है मेरा तकरीबन 5.5 crore के आसपास का। दोनों का काम वर्क चल रहा है, म्यूजिक पे काम चल रहा है, चैनल से बात हो चुका है, सारा फाइनल। फिल्म कितना सहयोग करता है? बढ़िया है, निर्माता बेहतरीन, दिल के अच्छे, ईमानदार, बढ़िया इंसान। दर्शकों से क्या उम्मीद है इस सिनेमा से? दर्शक देखेगा, उम्मीद है कि पसंद करेगा सिनेमा, अच्छा लगेगा, एक मैसेज जाएगा। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर पर में? हाँ सर, बहुत ही डाउन टू अर्थ एंड बहुत प्यारे, और सर का एक सीक्रेट जो मुझे पता चला है, सर फेस रीडिंग कर लेते हैं। और इतने बता दीजिए सर, कितनी गर्लफ्रेंड होंगी? आप मुझसे गर्लफ्रेंड्स के बारे में क्यों पूछते हो? रीडिंग की आप मुझसे पूछ रहा हूँ? नहीं नहीं, ये चीज़ें मैं रीड नहीं करती। मैं सर आपके बारे में बताना चाहेंगे जी। नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम है सनी कुमार शर्मा और हम लोगों ने इस फिल्म के लिए पहली बार मिले थे, मुलाकात हुई थी हमारे संजय सर के वजह से, संजय सुमन जी डांस मास्टर हैं उनके वजह से। तो सर से मिलवाया जब एक मिल के हम लोग मतलब चले गए, कुछ बात उत नहीं हुआ, नेक्स्ट डे फ़ोन आया, ऐसा ऐसा है कि आज फिल्म करेंगे, तो आया फिर मिला तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद नेचर वाइज मतलब गुड पर्सन, उसके बाद प्रोड्यूसर साहब से मिला, एकदम मतलब भाई की तरह हैं, डाउन टू अर्थ। कैसी लगी आपको अपनी फिल्म? फिल्म तो अभी तक तो हम लोगों ने बनाया है तो पब्लिक बताएगी, हम लोग तो अच्छा बनाया सोच समझ के, लेकिन अब जनता जनार्दन बताएगा कि फिल्म कैसी लगी उनको, जब आएगी सामने प्रेजेंट करेंगे तो ही बता सकते हैं। फिल्म के बारे में बताइए और आप लोगों की तरफ से क्या शुभकामनाएं होगी फिल्म के लिए? सर आपसे स्टार्ट। मुझसे स्टार्ट करेंगे? चलिए, फिल्म के बारे में यही कहूँगा कि जितनी उम्मीद नहीं की थी उससे कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि मैंने तो इसके कोई रशेस वगैरह देखे नहीं थे, लेकिन आया हूँ और मुझे सरप्राइज पैकेज मिला है जिस हिसाब से जावेद जो मेरे दोस्त भी हैं, डायरेक्टर भी हैं इस फिल्म के, और बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, कम ड्यूरेशन में हर चीज़ को ध्यान रखते हुए बहुत ही अच्छी ग्रिप है फिल्म की,
और कास्ट को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? कास्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं ये शुभकामनाएं देना चाहूँगा, उनके फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छे से काम करें और सब ने बहुत मिल के एक अच्छी केमिस्ट्री के साथ काम किया है। सर यस इनफैक्ट इन्होंने ज़्यादातर बातें बोल दी हैं। इवन आई वॉज सरप्राइज जब मैं देख रहा था लाइक ओवरऑल सबकी परफॉर्मेंसेस डायरेक्शन आई थिंक लाजवाब है एंड इट्स क्वाइट ग्रिपिंग स्टोरी इज क्वाइट ग्रिपिंग इट्स वेरी इंटेंस तो एट टाइम्स मुझे लगा कि इसने डरा दिया दैट पिक्चर यू नो दैट लिटिल फील। और स्टारकास्ट की परफॉर्मेंस के बारे में उनको क्या बेस्ट विशेस देना चाहिए? आई थिंक ऑल दीज गाइज आर लाइक यू नो दे आर वेरी गुड एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा जो इन लोग बोल रहे हैं उनके साथ हाँ में हाँ मिलाना है बिकॉज वाकई सराहनीय प्रयास है और जावेद भाई ने बहुत अच्छा काम किया है और जहाँ तक कास्ट एंड क्रू की बात है तो हर एक्टर ने अपने हिसाब से बेहतर किया है तो मेरी तो शुभकामनाएं फिल्म चले हिट हो लोगों तक पहुँचे बहुत ही अच्छा प्रयास है यही बोलना चाहेंगे मतलब एफर्ट जिसने भी किया है पूरी एक टीम दिख रही है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया सबसे पहले सबसे तेज।